दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 3 जुलाई से सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी प्राइस यहाँ पे बढ़ा दी है, 25% तक अपने रिचार्ज महंगे कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर यह है दोस्तों कि बीएसएनएल ने अभी तक अपनी प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं किया, बल्कि कुछ प्लान उसने काफी सस्ते कर दिए हैं। तो अगर आप अपनी सिम को पोर्ट कराना चाहते हैं किसी आपकी सेकेंडरी सिम है जिससे आपको ज्यादा काम नहीं रहता, सिर्फ कॉलिंग वगैरह के लिए यूज करना चाहते हैं और उस सिम में आप लॉन्ग वैलिडिटी के प्लान चाहते हैं वो भी काफी चीपेस्ट प्राइस में, तो बीएसएनएल आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो आज के वीडियो में बीएसएनएल के सभी चीपेस्ट प्राइस के बारे में डिटेल से जानेंगे, स्मॉल वैलिडिटी से लेकर लॉन्ग वैलिडिटी के पूरे प्लान में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इन प्लान को देखने के बाद आपका यहाँ पे दिल खुश हो जाएगा, और अगर आप अपनी सेकेंडरी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से करा पाएंगे। तो अगर आप भी बीएसएनएल के बेस्ट एंड चीप प्लान के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बीएसएनएल के प्लान यहाँ पे ओपन करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप पहले ही प्लान देख लीजिए, जो ट्रेंडिंग प्लान है 107 रुपये का। अगर आप 107 रुपये से अपनी बीएसएनएल की सिम को रिचार्ज कराते हैं तो आपको 1 टाइम 3 GB डाटा मिलता है और पूरे 35 दिन की वैलिडिटी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, 107 रुपये में आप 35 दिन तक अपनी सिम को यहाँ पे चालू रख सकते हैं, जो कि ना तो आपको जियो देगी, ना एयरटेल देगी और ना आपको वीआई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी चीपेस्ट प्लान आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद में 147 में आपको 10 GB वन टाइम डाटा मिलता है, इसकी वैलिडिटी आपको यहाँ पे 30 दिन की मिलती है। और इसके बाद में यहाँ पे अगर आपको ज्यादा डाटा की जरूरत है तो उसका भी यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिया गया है। 153 रुपये में आप 26 GB डाटा ले सकते हैं और 26 दिन की आपको इसमें वैलिडिटी मिल जाती है। और अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग वैलिडिटी चाहिए यानी कि 2 महीने तक की वैलिडिटी चाहिए तो आप यहाँ पे 298 रुपये से अगर रिचार्ज कराते हैं तो आपको पूरे 52 दिन की यहाँ पे वैलिडिटी मिल जाती है और इसमें आपको 1 GB डाटा भी यहाँ पे पर डे प्रोवाइड किया जाता है। अब इस प्राइस में आपको एयरटेल, जियो या वीआई कोई भी आपको इतनी लॉन्ग वैलिडिटी या इतना डाटा यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके बाद में 54 दिन का एक प्लान और है जो कि 347 रुपये का। इसमें आपको 2 GB पर डे डाटा मिलता है, 54 दिन की आपको वैलिडिटी मिलती है। पर आप देख सकते हैं कि यह भी काफी चीपेस्ट प्राइस है अगर आप किसी दूसरी टेलीकॉम कंपनी के प्राइसेस को अगर कंपेयर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक लॉन्ग वैलिडिटी का प्लान और मिलता है, सिर्फ 197 रुपये से अगर आप अपनी बीएसएनएल की सिम को रिचार्ज कराते हैं तो पूरे 70 दिन की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। इसमें आपको पर डे यहाँ पे 2 GB डाटा मिलता है, लेकिन ये डाटा सिर्फ आपको 15 दिन तक मिलेगा, लेकिन आपको कॉलिंग वगैरह की सुविधा पूरे यहाँ पे 70 दिन मिलेगी। आपकी आउटगोइंग, इनकमिंग सब कुछ यहाँ पे चालू रहेगी, यानी कि सिर्फ 197 रुपये में आप 70 दिन तक अपनी सिम को यहाँ पे चालू रख सकते हैं। तो ये इसके कुछ बेस्ट प्लान हो गए। अब इन प्लान को हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ वो प्लान की बात करेंगे कि आपके लिए यहाँ पे यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे अगर और लॉन्ग वैलिडिटी चाहिए तो आपको 397 रुपये से अपनी बीएसएनएल की सिम को रिचार्ज कराना है तो आपको यहाँ पे 2 GB पर डे डाटा भी मिलता है। यह डाटा आपको 30 दिन तक मिलेगा, लेकिन आपकी जो वैलिडिटी मिलने वाली वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको 397 रुपये में पूरे 150 दिन की वैलिडिटी यहाँ पे मिलने वाली है, यानी कि तकरीबन आधे साल की आपको वैलिडिटी यहाँ पे मिल जाएगी। 397 रुपये में 150 दिन तक आप अपनी सिम को यहाँ पे एक्टिव रख सकते हैं। तो इतने चीपेस्ट प्राइस में लॉन्ग वैलिडिटी प्लान आपको ना तो वीआई में मिलेगा, ना एयरटेल में मिलेगा और ना ही आपको जियो में देखने को मिलेगा। अब अगर आपको यहाँ पे ज्यादा डाटा की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर आपको 485 का प्लान मिल जाता है, 1.5 GB पर डे इसमें आपको डाटा मिलता है और 82 दिन की आपको वैलिडिटी मिलती है। 399 का प्लान मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ तो इसको हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं, और 319 का प्लान भी मैंने आपको बता दिया था। अब जरा यहाँ पे चलते हैं हम पॉपुलर में। तो पॉपुलर में यहाँ पर आप देख सकते हैं 118 रुपये, 10 GB डाटा और 20 दिन की वैलिडिटी। 153 में 26 GB डाटा, 26 दिन की वैलिडिटी। ये प्लान मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ तो इसको फिलहाल यहाँ पे स्किप करते हैं और देखते हैं हमारे काम का कोई प्लान है या नहीं। तो एक प्लान आपको यहाँ पे 997 रुपये का मिलता है जिसकी वैलिडिटी 160 दिन है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 2 GB डाटा पर डे मिलेगा पूरे 160 दिन तक। तो इस प्राइस में आपको दूसरी कंपनी पर डे डाटा और 160 दिन की वैलिडिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 1 ईयर वैलिडिटी प्लान के बारे में। तो 1 ईयर वैलिडिटी में आपको यहाँ पे 2 प्लान देखने को मिल रहे हैं। एक प्लान आपको यहाँ पे 1999 यानी कि 2000 का मिलता है जिसमें आपको 600 GB डाटा वन टाइम प्रोवाइड किया जाता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने टाइम तक में खर्च करते हैं। पूरे 1 साल तक आपकी यहाँ पे सिम चालू रहेगी, यानी कि 365 दिन की आपको इसमें वैलिडिटी मिल जाती है। अब इसके बाद में दूसरा प्लान आपको भी मिलता है 1198 रुपये का। इसमें सिर्फ आपको 36 GB डाटा मिलता है, लेकिन इसमें सिर्फ 1198 यानी कि 1200 रुपये में पूरे 1 साल तक आप अपनी सिम को यहाँ पे एक्टिव रख सकते हैं। जबकि किसी दूसरी कंपनी में अगर आपको अपनी सिम को 365 यानी कि 1 साल तक यहाँ पे एक्टिव रखना है आपको यहाँ पे 3500 रुपये खर्च करने होंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप 1198 और 2000 रुपये में यहाँ पर अपनी सिम को पूरे 1 ईयर तक एक्टिव रख सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, बीएसएनएल के प्लान को अगर देखा जाए तो जियो, एयरटेल और वीआई किसी भी
टेलीकॉम कंपनी में अगर सबसे चीपेस्ट प्राइस अभी भी कोई प्रोवाइड कर रहा है तो BSNL ही है। तो अगर आपके यहाँ पे BSNL के नेटवर्क ठीक ठाक आते हैं, आपकी सेकेंडरी सिम के लिए आपको ऑप्शन चाहिए, तो आप BSNL में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको जितने चीपेस्ट प्लान मिल रहे हैं इतने आपको कोई भी कंपनी में देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।